एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट इज़ मैं मनाहिर, और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ, आई थिंक वो जो स्विट्ज़रलैंड में बुर्का बैन हो उसी से रिलेटेड है। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल नेम है एसटीएस ब्रांड, ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। लड़कियाँ जो मुझे देख रही हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहाँ से भी हैं, मेरा उन सबसे सवाल है, क्या वो सब की सब लड़कियाँ अपनी विल से, अपनी मर्जी से पर्दा करती हैं? और अगर वो कर भी रही हैं, जैसे भी कर रही हैं, अपनी विल से कर रही हैं, किसी और की विल से कर रही हैं, फिर भी क्या वो सिक्योर हैं? यही खबर अगर इंडिया से आई होती, ठीक है, बल्कि आई भी थी आज से कुछ साल पहले, अल्लाह अकबर गढ़ वाला वाकया आपको याद होगा, इन सबको भी याद होगा, ठीक है, बड़ा वायरल था। मैं जरा क्लियर कर दूं कि अल्लाह अकबर गढ़ जी, इंडिया में निकाब पे पाबंदी, वाई पे पाबंदी लगा दी, हाय हाय मच गई इधर, मुसलमानों पे जुल्म हो गया, ये हो गया, हालांकि वो प्रॉपर खबर क्या थी? क्या थी पता है आपको? सिर्फ इतनी सी बात थी कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लड़की जो है वो नकाब करके नहीं बैठेगी, ठीक है, इसमें कहां जुल्म है, कहां जबर है? ऐसे घर अगर आपसे पूछा जाए कि स्विट्जरलैंड में नकाब के ऊपर लड़कियों के ये जो बुर्का होता है इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, जुल्म हो गया, क्या हो गया, क्या कहना चाहेगी? जुल्म तो मैं इसको नहीं मानती। देखिए सबसे बड़ी बात जो है, हमारे पाकिस्तानियों की ना ये आदत है, हर चीज अच्छा हो गया, बुरा हो गया, जुल्म हो गया, सितम हो गया। भाई दुनिया में, पूरी दुनिया में हर मुल्क के, हर इलाके के, हर जगह के अपने एसओपीज होते हैं, अपनी बाउंड्रीज होते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। एज इट इज जिस तरह पाकिस्तान के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो हमारा मसला ये है, हम कहते हैं कि हम दुनिया के जिस भी कोने में जाए, जिस भी मुल्क में जाए, हम अपनी मर्जी से जिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पाकिस्तान में रह रहे की आदत पड़ी हुई है, हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ हमारे अपने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसकी वजह से हम अपनी मनमानी करते हैं। अब उस आदत ने हमें इतना खराब किया हुआ है, हम दुनिया के जिस भी मुल्क में चले जाए हम कहते हैं हम तो राट है, अपनी मर्जी के मालिक है, अपनी मर्जी से रहेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता, हर ये कोई जुल्म नहीं है, उनका कानून है, देखिए जिस तरह से हमारे पास कानून है। यहाँ पर अगर बाहर के मुल्क से कोई आदमी है, यूरोप से, हाँ, यूरोप से कोई आए, मिनी स्कर्ट पहन के वो सड़क पे घूमे, आप घूमने देंगे? हाँ बिल्कुल, लोग कहेंगे कि यार ये आप ऐसा ना रहे, आप शॉर्ट ड्रेसेस में उनको, इनर गार्मेंट्स में या मिनी स्कर्ट में, जीन्स, यहाँ पर तो जीन्स की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, ठीक हो गया, चले, क्योंकि वो हमारा कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है। हर मुल्क का अपना कल्चर है, अपने कल्चर, अपने कस्टम, अपने नॉर्म्स के हिसाब से हर किसी की अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अपने लॉज है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे आगे लेट्स सपोज कोई कहे कि भाई मैं बाहर ओपन, मतलब यहाँ पाकिस्तान में बाहर नहीं है, आप देखे मेरी बात सुने, यहाँ पर दूसरे मुल्क से बाहर के बहुत सारे ममालिक है, वहाँ पर शराब का जो भी बिजनेस है, बार्स हो गए वो लीगल है, क्लब्स हो गए या डांसिंग जितने भी पार्टीज वगैरह हो गए, सारा कुछ उनकी तरफ लीगल है, ठीक है। वहाँ का कोई शख्स यहाँ रहने आता है एज ए सिटीजन, वो कहे कि जी मेरे लिए ये जायज है वहाँ पर, ठीक है, मैं पाकिस्तान में आया हूँ, मेरे लिए यहाँ पे लीगलाइज कर दो, हम लीगलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारे लॉ के खिलाफ है, हम उसको इस तरह की कोई आजादी या कोई फ्रीडम नहीं दे सकते। वो ये कहेगा कि भाई पाकिस्तान मेरे खिलाफ हो गया, पाकिस्तान मेरे कंट्री, मेरे मजहब के, फिर वो ये कहेगा, फिर वो ये कहेगा, ये जाहिरी बात है, फिर उसने यही कहना है। लेकिन बाहर के जितने भी ममालिक है वो लोग इस तरह ना कहते हैं ना करते हैं। आप देखिए जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, ठीक है चाइना से आते हैं, यूरोप से आते हैं, यूके से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, जहाँ से भी, पूरी दुनिया से यहाँ पर विजिटर्स आते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर आते साथ सबसे पहले क्या करते हैं, वो यहाँ की कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं अपने बिहेवियर के अंदर। हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, हमें अगर शौक है ना कि हमने इम्प्लीमेंट करना है, आप यहाँ से निकले मत। देखिए ये बाउंड्री हमने क्यों बनाई है, पाकिस्तान हमने क्यों बनाया है कि हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के अप्लाई कर सके, उनको इम्प्लीमेंट कर सके, तो उनको यहाँ पे रह के करें ना। मरे हम इस कदर जा रहे होते हैं कि हमने इलीगल वे से बाहर जाना है, यूरोप जाना है, हमने अमेरिका जाना है, इलीगल तरीके से टंकियां मार मार के बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर क्या है, हमने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना। भाई ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिस्टम है, ठीक है। ये जो लाड है ना आपको कि आप आराम से लोगों को जो है वो चैलेंज कर दें,
या उसको आप इग्नोर करते हैं, डिनाई करते हैं कि आपको यहाँ पे पड़ी हुई आपने अपना चेक एंड बैलेंस या उनका सिक्योरिटी जो भी उनका सिस्टम है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है। अंबर जी बड़ी आपने अपने ख्याल से जो ओपिनियन दिया बेहतर दिया, लेकिन देखे ना बाकी जो मेजर इशू है जी बुरका या पर्दा करवाया जाता है इस वजह से कि भाई कोई हमारा नजर ना पड़ जाए किसी लड़की के ऊपर या इन चीजों के ऊपर, इसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे कि भाई मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी यहाँ पे जितने भी लड़कियाँ जो मुझे देख रही हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहाँ से भी हैं, मेरा उन सबसे सवाल है क्या वो सब की सब लड़कियाँ अपनी विल से अपनी मर्जी से पर्दा करती हैं? और अगर वो कर भी रही हैं, जैसे भी कर रही हैं, अपनी विल से कर रही हैं, किसी और की विल से कर रही हैं, फिर भी क्या वो सिक्योर हैं? हमने कब तक ये चादर के पीछे बुर्के के पीछे भागते रहने, हम क्यों नहीं यार, ये हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है लड़कियाँ, ये सिटीजंस नहीं है, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकती, नहीं रह सकती यहाँ पे आराम से आजादी के साथ इज्जत के साथ नहीं रह सकती, आप क्यों नहीं उनको इतना सिक्योर एनवायरनमेंट दे रहे, क्यों नहीं आप देते? हर चीज गवर्नमेंट की तो नहीं है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा शहरियों से सवाल है आप लोग इतना आसान क्यों नहीं कर देते औरतों का मूव करना, उनकी मोबिलिटी को इतना आसान क्यों नहीं कर देते कि उनको बुर्कों के पीछे भागने, आप बुर्के की अगर बात करें ना तो काला बुर्का जो है पाकिस्तान का कल्चर तो ये है ही नहीं, ये पाकिस्तान का कल्चर तो नहीं है, ये हमारे बरेसगीर का कल्चर तो नहीं है, ये कल्चर तो सऊदी अरब का है। हाँ बिल्कुल, ऐसे 40-50 साल पहले ये कल्चर यहाँ आज से 40-50 साल पहले जब सऊदी अरब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है शाह फैसल के दौर में, तब हमने क्या पाकिस्तान बेसिकली ना आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, ठीक है, शुरू से रहा है। आप देखें आजादी से पहले तुर्की के साथ हमारी एफिलिएशन थी, खिलाफत का निजाम था, हम लोग खिलाफत को फॉलो करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर जैसे खिलाफत का निजाम खत्म हुआ है, जैसे उन्होंने वेस्ट को फॉलो करना शुरू किया, हमने कहा लो जी ये तो मुसलमान ही नहीं रहे। यार बहुत जबरदस्त इन्होंने बातें की है, एक बात रियलिटी बेस्ड थी इनकी और मैं इनकी सारी ही बातों से 100% अग्री करती हूँ। बुर्का कुछ वो नहीं है, एक लेबल लगा दिया जाता है औरत को। मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पर लोग जो है ना वो जज करते हैं किसी भी शख्स को, वो फिर चाहे औरत हो या मर्द हो, उसकी ज़ाहरी अपेयरेंस के से जो है ना इंसान को जज किया जाता है और स्पेशली औरतों को जज किया जाता है। अगर औरत जो है वो दुपट्टे के बगैर होगी तो उसके बारे में हम खुद से ही अज्यूम कर लेंगे, हमें नहीं हालांकि पता, हमने कभी उनके साथ बैठकर एक घंटा भी नहीं गुजारा, 5 मिनट भी नहीं गुजारे, लेकिन हमारी अजम्पशन क्या होगी उस लड़की के बारे में, उस औरत के बारे में कि यार बड़ी वल्गर सी है, बड़ी है तो पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करती होगी, तो बड़ी वो कहते हैं ना पंजाबी में वादू सी है, इसको तो इसके घर वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं है, मतलब हमारी पहली उसके बारे में अजम्पशन जो है ना वो ये, हम एक वो कहते हैं ना एक मखोटा सा बना लेंगे उसके लिए, हालांकि पता नहीं वो कितनी अच्छी होगी, पता नहीं वो कितनी जो है वो दूसरों की मदद करती होगी, हालांकि वो पता नहीं कितनी अपनी पेरेंट्स की फर्मा बरदार होगी, लेकिन हम जो है ना हमने अज्यूम कर लिया और हमारी जो अजम्पशन है वो तो फिर कोई हटा ही नहीं सकता, वो तो पत्थर पे लकीर हो जाती है कि भाई जो हमने किसी के बारे में फैसला कर लिया वहाँ पे फुल स्टॉप हमारा लग जाना है, फिर हमने किसी की नहीं सुननी, फिर हमने जो है ना वो कुछ नहीं, फिर चाहे वो कितना भी उसके बारे में पता चल जाए यार वो बड़ी अच्छी नहीं, भाई उसने तो चादर नहीं ली हुई थी, उसने तो बुर्का नहीं पहना हुआ था, वो ऐसी हो ही नहीं सकती। और जिसने बुर्का ना होगा, जिसने नकाब वगैरह किया होगा, उसके बारे में हमारी क्या अजम्पशंस होती हैं, यार बड़ी नेक औरत है, इसकी तरबियत यार कितनी अच्छी, इसके पेरेंट्स ने इसकी तरबियत की हुई है, यार ये तो बहुत नेक बीबी है। अंदर से वो पता नहीं मैं क्या कहूँ कि पता नहीं उससे उसके हमसाये भी जो है ना वो खुश होंगे या नहीं। सबसे बेसिक जो हकूक होते हैं ना वो हमसाये के होते हैं, 24 घंटे आपके साथ रह रहे होते हैं, आपसे उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे, पता नहीं उसके घर वाले उससे कितने तंग होंगे, पता नहीं वो कितनी, मैं कहना नहीं चाहती लो करेक्टर होगी या कितनी वो होगी, लेकिन उसने बुर्का पहना होगा तो हमने अपनी जजमेंट उसके लिए बना ली कि भाई ये बड़ी अच्छी औरत है, ये बड़ी पारसा औरत है। तो हम लोग जो है ना ये हमारे एक वो कहते हैं ना कि हमारे माशरे का ये अलमिया है कि हम लोग जो है किसी के बारे में कुछ भी हम अजम्पशन कर लेते हैं, किसी के बारे में कोई भी हम जब राय कायम कर लेते हैं कायम, तो फिर उसको हटाना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये हर किसी का यही है। मेरे ख्याल से इसको जज नहीं करना चाहिए, और जो कुछ इन्होंने रूल्स रेगुलेशंस की बात की, आई 100% अग्री विद हर कि वाकई हर मुल्क के अपने रूल्स, अपने नॉर्म्स, अपने रेगुलेशंस होती हैं, उनको हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए वहाँ पर जाकर कि भाई हम अब थोड़े से 10-20 घर हम मुसलमानों के हो गए, अब हम कहें जी नहीं जी हम बाकी सारे जितने भी 80% 90% लोग हैं वो भी हमारी तरह से हो जाए, वहाँ पर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाओ, वहाँ पर हमारे लॉज करो। नहीं भाई, क्यों आप फिर बाहर जाते हैं, क्यों वही वाली इन लड़की वाली बात पे फिर क्या लेने बाहर जाते हो, जब आपको पता है कि बाहर ये सब है,
आप अपने घर के अंदर रहकर अपने मजहब के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो, आपको बाहर सबके ऊपर लगाने की, इम्प्लीमेंट करने की क्या ज़रूरत है। और फिर जब वहाँ पर ये बुरके का लगा दी, और वही बात इनकी कि इंडिया में जब ये हुआ था कितना तूफान मच गया था, हालांकि सिर्फ उन्होंने एग्जामिनेशन में कहा था भाई ऐसे तो कोई भी बुरका पहनकर किसी लड़की का एग्जाम है, लेकिन वो भाई कहे जी मेरी तो तैयारी नहीं है, मैंने नहीं जाना, उसकी जगह पर कोई लड़का जाकर बुरका पहन के, और लड़के को छोड़ो कोई और उसकी बहन बुरका पहन के जाके एग्जाम दे आए भाई, कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है या उसको उसका दिल नहीं चाह रहा, जो उसने जाना नहीं है तो मैं उसकी जगह पे एग्जाम दे आती हूँ। तो ये मेरे ख्याल से फेस आइडेंटिटी जो है ना हर जगह पर, हर ऑफिस में, हर स्कूल कॉलेजेस में मस्ट होती है। तो अगर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर वो कर दिया, बैन कर दिया कि भाई एग्जामिनेशन में बुरका जो है वो अलाउ नहीं है, तो इसमें क्या ही हो गया, हम ये कहना शुरू हो गया कि भाई जुल्म हो गया, ये हो गया। और अगर स्विट्जरलैंड में अगर ये चीज़ हुई है कि वहाँ पर बैन कर दिया, तो वहाँ उनका कल्चर है, उनका अपना कल्चर है, वहाँ पर तो मुसलमान भी इतनी तादाद में नहीं है, हो भी तो उनको नहीं करना चाहिए ये सब, और उनका कल्चर ही नहीं है, जब उन्होंने बैन कर दिया तो कर दिया, मेरे ख्याल से इसमें इतना वावेला मचाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये था मेरा रिएक्शन, होप्स आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा रिएक्शन कैसा लगा लाइक करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।